नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं बात करूंगा होटल वर्सेस हॉस्टल के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आमतौर पर हम सभी होटल से परिचित होते हैं। जब हम कभी घूमने के लिए जाते हैं सबसे पहले होटल सर्च करते हैं, लेकिन आजकल हॉस्टल्स का भी प्रचलन काफ़ी बढ़ गया है। जब से सोलो ट्रेवलर या बैकपैकर का कॉन्सेप्ट जब से चला है, पिछले 4-5 सालों से मैं देख रहा हूँ कि हॉस्टल्स की भी जो है काफ़ी एडवर्टाइजमेंट आ रही है। सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देखा होगा, बहुत सारे हॉस्टल्स की एडवर्टाइजमेंट हमारे सामने आती है। तो दोस्तों होटल या हॉस्टल्स में मेजर डिफरेंस जो होता है बजट का होता है। तो मैं आपको इस वीडियो में लगभग 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगा, दोनों के बीच 5 ऐसे बड़े डिफरेंस बताऊंगा जिस कारण से आपको होटल या हॉस्टल दोनों में से आपको क्या चुनना है आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वीडियो को आप स्किप मत करना और लास्ट तक देखिए ताकि आपको पता चल सके कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और हमें हमारे लिए कौन सा ज़्यादा सुटेबल है। तो दोस्तों सबसे पहले बात मैं करूँगा बजट के बारे में। तो होटल और हॉस्टल दोनों के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस जो होता है बजट का होता है। जहाँ एक होटल का रूम आप लगभग 1000 से लेकर 2000 रुपये के आसपास आप बुक करते हैं मिनिमम, वहीं दूसरी तरफ आपको हॉस्टल का जो बेड होता है वो आपको 300 रुपये या 400 रुपये या ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर लगभग 1/3 या 1/4 तक का डिफरेंस आ सकता है। ऐसे केस में जो है आपके लिए, अगर आप बजट ट्रेवलर हैं या सोलो ट्रेवलर हैं या फिर अपने जैसे 2-4 दोस्तों के साथ घूम रहे हैं जिन्हें वो भी अगर बजट ट्रेवलर है, तो इस केस में आपके लिए हॉस्टल काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। और हॉस्टल जो है सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि बहुत सारे अदर कंट्रीज में, विदेश में भी, आप यूरोप अमेरिका कहीं भी आजकल हर जगह आपको हॉस्टल्स मिल जाएंगे। यहाँ तक कि थाईलैंड भी अगर जाते हैं और बजट ट्रेवलर के तौर पे आप जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको हॉस्टल काफ़ी मिलेंगे। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है बजट का। अगर आपको सिर्फ रात बिताने के लिए जगह चाहिए, और भी अगर आजकल तो हॉस्टल भी बहुत अच्छे अच्छे ब्रांडेड नेटवर्क वाले हॉस्टल आ रहे हैं, जो आपके वीडियो में अगली वीडियोज़ में आपको कुछ ब्रांडेड हॉस्टल के जो नेटवर्क है उसके बारे में आपको बताऊँगा। तो ये जो है बजट फ्रेंडली होते हैं हॉस्टल, और इस कारण से आपको हॉस्टल चुनना चाहिए। लेकिन मैं इसमें फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आप फैमिली के साथ घूम रहे तो फिर आपको होटल ही लेना पड़ेगा, क्योंकि उस केस में आपके पास कोई उपाय नहीं बचता। और अगर बजट ट्रेवलर के तौर पर घूम रहे हैं तो आपको हॉस्टल आपके लिए अच्छा होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो है वो प्राइवेसी की है। तो प्राइवेसी की जो बात आती है तो होटल ही इस मामले में बेस्ट होते हैं, क्योंकि होटल आपको सारा कुछ प्राइवेट देता है। प्राइवेट रूम होता है, अटैच बाथरूम होता है, आपको सारा कुछ ब्रेकफास्ट लंच डिनर वगैरह सारा कुछ आप अपने रूम में मंगा सकते हैं। तो ये सारी सर्विसेज आपको हॉस्टल में आपको नहीं मिलेंगी, बल्कि वहाँ पर सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक रूम मिलेगा सोने के लिए और शेयर बाथरूम मिलेगा। तो ये इसमें प्राइवेसी की थोड़ी सी दिक्कत इसमें आ जाती है। तो और आपके अपना लगेज वगैरह भी इसमें उतना प्राइवेसी नहीं होता उन्हें रखने के, क्योंकि आपका लगेज सारा सबको पता चलता है कि आप कौन कौन सा सामान लेकर आ रहे हैं, कौन कौन सा सामान आप रख रहे हैं। तो होटल होने पर आपको बंद कमरे के अंदर आप क्या कर रहे हैं कोई देखने वाला नहीं होता, लेकिन हॉस्टल में ऐसी बात नहीं होती। तो ये दूसरा कंसर्न है प्राइवेसी का। अगर आप इसमें, मैं कहना चाहूँगा अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो होटल ही चुनें, क्योंकि उसमें और कोई दूसरा उपाय नहीं है। लेकिन अगर आप बजट ट्रेवलर हैं या फिर अपने जैसे 2-4 ट्रेवलर्स के साथ अगर घूम रहे हैं तो उस केस में हॉस्टल आपके लिए काफ़ी बेटर हो सकता है। कम से कम एक बार आपको हॉस्टल ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तीसरी जो बात है वो शेयर बाथरूम की या शेयर टॉयलेट की है। ये बात मैं आपको पहले कह चुका हूँ, ये भी थोड़ी सी प्राइवेसी से ही रिलेटेड है। तो इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस है कि होटल में आपको एक शेयर बाथरूम नहीं होता, बल्कि वहाँ पर एक अटैच बाथरूम आपको दिया जाता है। और हॉस्टल में जनरली या मोस्टली कह सकते हैं कि आपको शेयर बाथरूम ही मिलेगा। प्राइवेट बाथरूम वैसे कुछ हॉस्टल्स के विज्ञापन मैंने देखे हैं जिसमें हॉस्टल में भी आजकल शेयर के बदले में प्राइवेट बाथरूम वाले कुछ हॉस्टल्स आ रहे हैं, लेकिन ऐसा अभी बहुत कम है और हो सकते हैं वो थोड़े से महंगे हॉस्टल्स भी हो सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा दूसरा जो सबसे बड़ा डिफरेंस है होटल और हॉस्टल में वो है शेयर और प्राइवेट बाथरूम के बारे में। तो होटल में आपको एक प्राइवेट बाथरूम मिलता है या अटैच बाथरूम मिलता है, जबकि अगर हॉस्टल बुक करते हैं तो इसमें आपको एक शेयर या कॉमन बाथरूम या कॉमन टॉयलेट आपको मिलता है। चौथी सबसे बड़ी जो बात है वो है सर्विस के बारे में। जैसे कि मैं पहले आपको कह चुका हूँ कि होटल में आपको बहुत सारी सर्विसेज मिलती है, जैसे कि लॉन्ड्री सर्विस, रूम सर्विस, ब्रेकफास्ट डिनर की, रूम में डिलीवरी की सर्विस। तो ये सारी सर्विसेज आपको होटल में, आप जितना ज़्यादा पैसा खर्चा करेंगे उतना ज़्यादा आपको सर्विस मिलेगी, क्योंकि इसकी कोई सर्विसेज की कोई लिमिट नहीं है और होटल में खर्च की भी कोई लिमिट नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बजट ट्रैवलर जो होता है उसे इस तरह की सर्विसेज की जरूरत नहीं पड़ती, उसे सिर्फ रात गुजारनी होती है। जैसे कि मैं भी अगली बार सोच रहा हूँ कि जितने भी ट्रिप करूँगा कम से कम एक दो बार हॉस्टल
मुझे भी ट्राई करना है। ऐसे मैंने एक दो बार पहले मैंने ट्राई कर चुका है, लेकिन कुछ कुछ ब्रांडेड नेटवर्क्स के जो हॉस्टल हैं उसे मैं ट्राई करूँगा। तो ये सर्विसेज की बात जो आती है, हॉस्टल में आपको सर्विस कम मिलती है या फिर बिल्कुल नहीं मिलती है, सारा कुछ आपको खुद से करना होता है। सेल्फ सर्विस है यहाँ पर, आपको लंच डिनर के लिए बाहर जाना पड़ता है, या फिर अगर वहाँ अवेलेबल है तो वहाँ खुद उनके जो डाइनिंग हॉल है वहाँ तक आपको पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि आपको रूम में सर्विस देने के लिए कोई नहीं आएगा। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है यहाँ होटल या हॉस्टल में। तो ये भी जो है फैमिली के लिए जो है होटल ही अच्छे होते हैं, क्योंकि उसमें आपको सर्विसेज की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन बजट ट्रैवलर के तौर पे मैं फिर से कहना चाहूँगा, उसमें बजट ट्रैवलर को ज़्यादा सर्विसेज नहीं चाहिए, तो उस केस में आपके लिए हॉस्टल ही ज़्यादा बेटर रहेगा। और पांचवी सबसे लास्ट में जो बात करना चाहूँगा कि नए ट्रैवलर से अगर आपको मिलने का शौक़ है, अगर आप एक टूरिस्ट के बदले में अगर ट्रैवलर की नज़र से आप घूम रहे हैं, तो उस केस में आपके लिए नए ट्रैवलर से मिलने के लिए आपके लिए हॉस्टल्स काफ़ी बेस्ट हैं, क्योंकि हॉस्टल्स में आपको दुनिया के अलग अलग देशों से, या अगर इंडिया में भी हैं तो आपको अलग अलग राज्यों से आए हुए बहुत सारे ट्रैवलर से मिलने का आपको मौका मिलता है। आप एक रूम में रहते हैं, एक रूम में कम से कम 8-10 लोग रहते हैं, तो एक दूसरे से बातचीत होती है, एक दूसरे कल्चर के बारे में बहुत सारा बातें हमें पता चलती है। जो घूमने से, जैसे कि हम लोग घूमते हैं तो बहुत सारी चीज़ें नई नई पता चलती है, तो वहाँ पर भी जब अलग अलग जगह से आए हुए ट्रैवलर से आप मिलेंगे तो आपको बहुत सारी नई नई जानकारियाँ मिलेंगी, बहुत सारी बातचीत जो होती है उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। तो ये चीज़ आपको होटल में नहीं मिलती, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज जो है मैं इसे मानता हूँ, क्योंकि बजट तो है ही, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप इसमें नए नए ट्रैवलर से जो मिलते हैं तो उससे आपका नेटवर्किंग काफ़ी स्ट्रांग होता है, और आपको कल्चर का जो एक्सचेंज है ये और अच्छा जो है हॉस्टल में होता है। तो दोस्तों, अगले वीडियो से मैं आपको होटल और हॉस्टल्स का डिफरेंस, जैसे मैंने इस वीडियो में बता दिया, तो अगली वीडियो में आपको बताऊँगा कि इंडिया में कौन कौन से बड़े बड़े हॉस्टल्स के नेटवर्क हैं। जैसे कि जोस्टल का नाम आपने सुना होगा, ये पिछले 2000 सालों से मैं काफ़ी विज्ञापन देख रहा हूँ, ये काफ़ी अच्छा ब्रांडेड नेटवर्क भी है। उसके बाद ये यूथ एसोसिएशन ऑफ इंडिया या YHAI का नाम भी आपने सुना होगा, जो गवर्नमेंट द्वारा भी कुछ बैकअप है उसका, और वो काफ़ी पुराना नेटवर्क भी है, उसमें कुछ मेंबरशिप भी लेनी पड़ती है, तो उसके बारे में भी मैं आपको एक सामने एक वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद अभी कुछ देर पहले मैंने नेट पे सर्च करते करते एक बैकपैकर पांडा नाम की साइट देखी है, वो साइट भी मुझे अच्छी लगी, साइट का डिज़ाइन तो अच्छा लगा, लेकिन उसे भी मैं आपको रिसर्च करके बताऊंगा कि कौन सा वो वेबसाइट जो है आपके लिए कितनी अच्छी हो सकती है। और तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि होटल या हॉस्टल्स में आपको कौन सा आपके लिए बेटर होता है। अगर जनरली आप फैमिली के साथ घूम रहे तो आपके लिए होटल ही बेटर रहेंगे, उस केस में मैं आपको हॉस्टल कभी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि फैमिली में प्राइवेसी कंसर्न होती है, भले बजट या बाकी चीज़ें तो छोड़ दी जाए, लेकिन प्राइवेसी सबसे बड़ी बात हो जाती है जब आप फैमिली के साथ घूमते हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, जो मैं लास्ट में ऐड करना चाहूँगा, सिक्योरिटी रिस्क के बारे में, तो सिक्योरिटी की प्रॉब्लम जो है हॉस्टल में थोड़ी बहुत कुछ हद तक हो सकती है, क्योंकि सामान रखने के लिए आपको एक अलग जो है लॉकर आपको नहीं मिलता, हो सकता है कॉमन लॉकर मिले या छोटा सा कोई बॉक्स मिले, तो ये थोड़ा सा दिक्कत इसमें होता है। लेकिन अकेले घूमने पर लगेज भी हमारा कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो ये बहुत बड़ी बात इसमें नहीं होती है। दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में आपको इस तरह के, जैसे कि मैंने पहले बता चुका कि आपको हॉस्टल्स के जो ब्रांडेड नेटवर्क है उसके बारे में कुछ वीडियोज आपको सामने मैं आपके सामने बनाऊंगा और आपके सामने रखूंगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ, आपका दिन बहुत ही शुभ हो, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।